दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती, क्यों धन ज्यादा दिन तक नहीं रहता। धन आता जरूर है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे काम करते हैं, हमारी अपनी ही गलतियों के कारण हम अपनी कामयाबी सफलता को रोक देते हैं, अपने घर में धन के द्वार बंद कर देते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं जो हमारे साथ ये सब होता है। बात तो बहुत छोटी छोटी सी ही है लेकिन अगर हम सुधार कर लेते हैं तो धन की समस्या समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों जानते हैं कि किन कारणों से घर में धन नहीं टिकता, क्यों माँ लक्ष्मी रूठी हुई बैठी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोहतगी, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक, प्रवेश द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा रात्रि के समय भी प्रकाश रहना चाहिए। अगर अंधकार रहता है तो ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। इसके अलावा एक गलती और है, अगर आपके प्रवेश द्वार के सामने गंदगी है, सफाई नहीं रहती है, ये भी माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने की बहुत बड़ी वजह है। आपका प्रवेश द्वार टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर पेंट उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि आपके पितृ देवता, कुल देवता और भगवान मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं। अपने प्रवेश द्वार के ऊपर एक गणेश जी जरूर लगाना चाहिए और साथ ही साथ अशोक के पत्तों की माला भी लगानी चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। एक महीने में कम से कम 4 बार जरूर लगाएं, यानी आप 1 सप्ताह में 1 माला शुक्रवार के दिन जरूर लगाएं। सुबह शाम घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए। नंबर 3, अतिथि। जहाँ अतिथि का सम्मान नहीं होता लक्ष्मी वहाँ बिल्कुल भी नहीं ठहरती। जब आपको पता हो कि आपके घर में अतिथि आने वाला है, वह चाहे कोई भी हो, तो आपके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिन घरों में अतिथियों का अपमान होता है मैं वहाँ वास नहीं करती, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं। अतिथि का अपमान समझो भगवान का अपमान माना जाता है, इसलिए जितना भी आपसे हो सके अतिथि का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। नंबर 4, तुलसी प्रत्येक घर में अवश्य होनी चाहिए, उनकी सेवा करना परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के गमले में उतना ही जल डालें जो नीचे ना गिरे। कई लोग इतना अधिक जल दे देते हैं कि वह बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो धन आपके घर में कभी नहीं ठहरेगा, बरकत नहीं होगी। तुलसी के अंदर से कभी भी पानी नहीं गिरना चाहिए, उतना ही जल डालो जितने जल को वह मिट्टी सोख सके या वह जल उसके अंदर ही रह सके। कहते हैं जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है, तुलसी होती है, उस घर में किया कराया कोई बड़ी मुसीबत, हाय टोक कभी भी नहीं आती, तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती है। आपने देखा होगा जब किसी घर पर कोई बड़ी मुसीबत या कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो तुलसी अपने ऊपर ले लेती है, तुलसी सूख जाती है। तो दोस्तों बड़ी महिमा है तुलसी माता की। नंबर 4, अपनी रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ जरूर रखना चाहिए। भले ही आपके यहाँ टंकी है, आरओ है, फिर भी शास्त्रों के अनुसार रसोई में जल का कोई बर्तन भरकर जरूर रखें और उसमें से ही जल पिएं, चाहे रात हो या दिन भरा रहना चाहिए। इससे आपके घर में पैसा ठहरने लगेगा, टिकने लगेगा, बरकत होने लगेगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, क्योंकि जल धन रूप की श्रेणी में रखा जाता है। और हाँ दोस्तों, कभी भी आपके घर में टंकियों से पानी नहीं टपकना चाहिए। जिन घरों में टंकी से पानी टपकता रहता है ऐसे घरों में कभी समृद्धि नहीं आती, कभी भी ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, हमेशा धन की कमी रहती है। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में ये छोटी छोटी गलती सुधार लेते हैं तो आपके घर धन रूपी पैसे में बरकत होने लगेगी, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होगा, लंबे समय तक माँ लक्ष्मी आपके घर विराजमान होंगी। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।